Hey, y'all, come look at this. कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक शॉर्टकट होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था मैंने बहुत सालों पहले, ठीक है, अब मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली कि कब, बट हाँ ये शॉर्टकट एक होता है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसका लेंदी मेथड बहुत लेंदी है, उसका नाम ही लेंदी मेथड है, ठीक है। इसका लेंदी मेथड जो है वो बहुत ही लेंदी है, इसीलिए डायरेक्टली शॉर्टकट शॉर्टकट को समझ लो, है ना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनी, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा एक्स प्लस आई वाई। अब ये एक्स और वाई को निकालने का डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला, वो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि आप ये जो ए और बी है ना उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम टाइप का आप अज्यूम कर सकते हो। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार आपको करना है प्लस ए और डिवाइडेड बाई टू, और एक बार आपको करना है माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है उसको ऐड करो डिवाइड बाई टू करो, माइनस करो डिवाइड बाई टू करो। एक एग्जाम्पल करते हैं तभी ये क्लियर होगा, ठीक है। देखो इसका एक एग्जाम्पल ये वाला ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो दो आंसर आते हैं हमेशा, ऑलवेज यू विल गेट टू आंसर्स। तो पहले आप प्लस माइनस तो लिख लिया करो, ठीक है, हमेशा दो आंसर आएंगे, एक प्लस एक माइनस, ऑलवेज 100%, ठीक है। बीच में जो साइन है वो आप बीच में लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आयोटा भी लगा दो, तो बस ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा वाई। बस अब आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर आप डायग्राम बना लो, बेसिकली जैसे बायोलॉजी में बनाते हैं, ठीक है, तो ये डायग्राम बना दिया। अब x और y का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या था, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो वाई स्क्वायर, है ना। आपको करना है अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, मतलब बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। तो अंडर रूट ऑफ ये कितना आएगा, ये अलग से निकाल लिया करो आप, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताना आप, अगर करोगे अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो फाइव आएगा ना, तो यहाँ पे फाइव लिख लो, यहाँ पे भी फाइव लिख लो, ठीक है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप मॉड्यूलस समझते हो तो मॉड्यूलस निकालना है ना, मॉड्यूलस वैसे अभी हम पढ़ेंगे, बट अगर आप नहीं समझते हो तो आप अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर कर लो, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक बार आपको ये जो रियल पार्ट है ना, एक बार ऐड करके डिवाइड बाई टू करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई टू करना है। तो बस यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया फोर और वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया वन। तो एक्स का वैल्यू आप लिख दोगे टू और वाई का वैल्यू लिख दोगे वन। इसमें प्लस माइनस और ये सब यूज करने की आपको जरूरत नहीं, वो हमने पहले ही लगा दिया है, ओके, वो सब प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, यही शॉर्टकट है। तो ये एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन, तो बस दिस इज द आंसर, समझ गया। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, यस, ये क्लियर है क्या? और एग्जांपल्स करें, चलो थोड़े और एग्जांपल्स करते हैं। तो ये तो हमने कर दिया है ना, दिस इज डन, ये ट्राई करो इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें बेसिकली जो आंसर आएगा ना, उसमें आप पहले बेसिक डायग्राम बनाओगे, बेसिक डायग्राम में बीच में जो साइन होता है वही साइन बीच में आता है, तो बस ऐसा डायग्राम बनेगा, भाई बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। तो आपका जो आंसर है उसमें भी बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालोगे तो थ्री फोर फाइव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक बार प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू करो और एक बार माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू करो, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, एक्स का वैल्यू वही निकलेगा टू और वाई का वैल्यू निकलेगा वन, तो बस दिस इज द आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। यहां पे आंसर क्या आएगा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।